अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कहिए क्या हाल है। कराची में मानसून फुल तरीके से शुरू हो गया है और मानसून तो शुरू होने की इत्तला बहुत दिनों से आ रही थी। उससे पहले मैं एक तब्दीली बताऊं, यहाँ से मैंने अपने पौधों को हटा दिया है क्योंकि मिट्टी बहुत होती थी और यहाँ पर मैंने अपना ये पॉटरी का सेक्शन बना दिया है जो मैंने पेंट किए थे। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम करना बाकी है लेकिन ये मैंने अपने गार्डन का एक सेक्शन सिर्फ अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए रखा है और ये हो रहा है। ये देखिए, एक नया मटका मैंने पेंट किया था, इसको करना बाकी है और इसके बाद ये मेरे पहले से पेंटेड रखे हुए थे, ये मैंने इनको किया है। ये मेरी जो पेंट के कंटेनर थे इनको मैंने पेंट किया था और इसके बाद यहाँ से मैंने पाम का दरख्त हटा दिया है, पौधा हटा दिया है और इस तरीके से ये सेक्शन मैंने सिर्फ अपनी पॉटरी के लिए रखा है। तो पौधे बहुत निखर गए हैं माशाल्लाह। इस फर्न को देखिए किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहा है, पूरा चारों तरफ से ये फैल गया है। पाम को वहाँ से हटा करके मैंने यहाँ रख दिया था, यहाँ रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये सब देखिए आप, बारिश अभी भी हो रही है, झींसी तो पड़ रही है लेकिन मैंने अपने कैक्टस और उनको के बारिश में ख़राब हो जाते तो यहाँ मैंने ये सेंसिवेरिया को अलग यहाँ कॉरिडोर मिला करके रख दिया है, बरामदा कहिए या कॉरिडोर कहिए, उसमें ला करके रख दिया है क्योंकि पानी ज़्यादा पड़ने से बारिश के पानी में ये ख़राब हो जाते हैं। अपने रबर प्लांट को भी कि ज़्यादा सौगी मिट्टी इसको पसंद नहीं है लेकिन ये कि ये मेरे मनी प्लांट, इनको पता नहीं कीड़े ने काट लिया है, कोई कीड़ा ऐसा आ गया है जो पत्तों को कुतर रहा है। तो ये जनाब ये है मेरा बारिश का वो नज़ारा। आसमान आज भी बादलों से भरा हुआ है और देखिए आप किस कदर नाग चंपा पे फूल आए हुए हैं, पूरी ऊपर एक छतरी जैसी बन गई है। तो ये लेकिन इन बड़े गमलों को, ये कैक्टस के बड़े गमले को इसके बहुत सारे पप्स निकल आए, इसको मैं नहीं हटा सकी क्योंकि बहुत हेवी है और वैसे ही मेरा हाथ अभी तक कमज़ोर है, मैं इसको नहीं हटा सकी। लेकिन दो दिन से मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है, पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरा समा ही भीगा हुआ है, भीगा भीगा अबर आलूद मौसम, रात भर बादल कड़कते रहे। ओहो, ये मेरा चंपा का ये गमला गिर गया है, इसको मैं ठीक कर दूँ, इसको मैंने ठीक कर दिया है, हल्का सा है ये। और रात भर बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरजते रहे। ये देखिए, ये मैंने इस टेबल के नीचे अपने कैक्टस रख दिए हैं, पिछली मरतबा इन पर इतना पानी पड़ा था कि ये ख़राब हो गए थे तो इनको मैंने यहाँ से हटा दिया है और हटा करके नीचे टेबल के नीचे, ये टेबल के नीचे रख दिया है। उम्मीद है कि महफूज रहेंगे क्योंकि इसमें कलियाँ भी बहुत आ गई हैं। ये मेरा टैंगल हार्ट बहुत खुश है बतख के पेट में। और ये दूसरा फर्न, ये भी मेरा देखिए खूब फल फूल रहा है माशाल्लाह से। और फिर मेरा ये सेक्शन जो मैंने टेबल्स पे स्टेप्स वाइज बना करके रखा था, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। तो बारिश तो पौधों को निखार ही देती है तो निखर रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। और ये मेरे कप्स और प्यालियों के ये, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से हटा दूँ, ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको मैं अंदर रख देती हूँ ताकि इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ये बारिश से महफूज रहे, बहुत पानी पड़ चुका है इसमें। और भी ऐसी दो तीन चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा ताकि ये बारिश में ख़राब ना हो। क्या करें भाई, पौधों का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। तो इसको भी मैं अंदर रख रही हूँ क्योंकि ये भी बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, तो इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें भी बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह।
कि सारी ही चीज़ें बारिश में निखर गई हैं, सारी ही चीज़ें बारिश में निखर गई हैं। अच्छा, इसमें पानी नहीं पड़ा, हैरत है। चलिए ठीक है, जिसमें बारिश का पानी नहीं गिरा है उसमें तो देना ही पड़ेगा, वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने देखा, बताइए कैसा लगा आपको, और आपने मानसून की तैयारी क्या की है? मानसून को तो सभी एंजॉय करते हैं, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं, और अब हम अपने झूले पर आ बैठे हैं। देखिए, हम अपने झूले पर आ बैठे हैं और इसको हम कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारा झूला उल्टा करके हमको लेना पड़ा है। तो देखिए माशाल्लाह कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना? तो ये है जनाब, अब पांडा साहब भी साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दरख्तों की जो यहाँ जमघट्टा लगा हुआ था उसकी वजह से कचरा बहुत हो जाता था, पत्ते गिर रहे हैं, मिट्टी गमलों से गिर करके नीचे जमी जा रही है, और मुझे सफाई करते वक्त बहुत मुझे एहसास होता था। तो अब मैंने इसको अपना पॉटरी का सेक्शन, अब ये तो है, मैं इसको एल शेप में करूँगी, पूरी अपना पॉटरी का सेक्शन एल शेप में करूँगी, और आप देखेंगे कि गार्डनिंग में पौधों के साथ पौधों की सजावट की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी अपने गार्डन की सैर कीजिए। हाँ, मेरी ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिर दूसरे वीडियो के आने तक, बारिश को एंजॉय कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।